जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर आबादी लास्ट कदम नहीं है, मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी है? आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो सपने देखो, ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है, ना जाति जनगणना रुकेगा, ना सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रुकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रुकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को ये बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे।